हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हुए हैं बनारस के अस्सी घाट पे और आज हम घूमेंगे अस्सी घाट और यहाँ के बारे में सारी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आइए चलते हैं। और जाने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरे 500 सब्सक्राइबर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आधा मैंने सफ़र तय कर लिया है और आधा सफ़र अभी है बाकी। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और जो मेरा साथ है ऐसे ही निभाते रहिएगा। अभी सफ़र में मुझे छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि अभी जो सफ़र है ना बहुत लंबा है और आपको अंत तक साथ निभाना ही है। जो मेरे पिछले वीडियो के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स थे वो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़ गए हैं और ये है अस्सी घाट का नज़ारा। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जुड़ गए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। तुम नरेंद्र मोदी को जानती हो? हाँ जानते हैं। कौन है? यहाँ पे अस्सी पे आए हैं घूमने। अच्छा, अस्सी पे आए हैं? नेता है पूरे। नेता जी हैं यहाँ आए हैं घूमने, लेमन टी की चाय पिए। यहाँ के पूरा मालिक है घाट का, गैस दिए खाना पकाने का, गैस दिए सबको, गरीब को खाना पकाने के लिए, खाने के लिए सब दिए। तो गैस तो बहुत महंगा हो गया है, तुमको क्या लगता है कि मतलब सही है? पहले दिए थे तो फ्री में, तब पैसा कला। अभी कितना गैस का दाम है कुछ पता है? 1100। तो ये बढ़िया है? हाँ ठीक है, ठीक है। एक महीना दो महीना चलता। इसके पहले किस पे खाना बनता था? इस पे छोटा वाला गैस पे बनता था। तो तुम लोग बैलून क्यों बेचते हो? हम लोग गरीब है दीदी, गरीब है, दो रोटी खाते हैं, कमाते हैं, नहीं कमाएंगे तो पेट नहीं चलेगा। मम्मी पापा कुछ काम नहीं करते हैं? मम्मी करोना बेचती है अस्सी घाट। पापा का तबीयत खराब है, परसों भर्ती थे, इतना दवाई लेकर आए, नहीं तो काम करते थे। और तुम छुटकी तुम क्या कर रही हो? बैलून बेचती हो? नहीं। हाँ घर पे रहती है, नहीं इसीलिए खाली आ गई रोटी है। दादी हम भी चलेंगे अस्सी घाट। मेरा क्या नाम है? एक गाना सुना दो। पोएम आते हैं? पोएम आते हैं? नदिया के पीछे वाला सुना दे। पोएम ऐसा दिए, नदिया के पीछे वाला सुना दे। अच्छा, नदिया के तीरे जैसे सैया डोले। सुना दे जरा। स्कूल जाती हो कि नहीं जाती? जाते हैं। स्कूल खुल गया है? किस क्लास में हो तुम? हम लोग होगी करेंगे। तुम किस क्लास में हो? हम पाँच करेंगे। अच्छा, कल होगी करेंगे। अच्छा, योगा कहाँ पे? स्कूल। अच्छा, घाट पर पे नहीं होगा? अस्सी घाट पे भी तो होता है? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, कौन सा स्कूल में? सरकारी। सरकारी मदरसा। गिरो मत। सुना दे जरा गाना। तुम्हारा नाम क्या? गुलफ्सा। गुलफ्सा नाम है? बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। नेहा। नेहा छटकी तुम्हारा? जेरा। जेरा। अच्छा, अस्सी घाट में आते जो बेचता है वो बेच के। तो मोदी जी, तुम सही नहीं बताए कि मोदी जी हैं कौन आखिर? मोदी जी ये घाट का सब मालिक है। मालिक है? और क्या है? जैसे हम जो भी काम होगा पुलिस और उन्हीं बनाए, पुलिस और को सब उन्हीं बनाए। अच्छा, जो पुलिस जैसे कोई भी बात हो गया पुलिस को बनाए। प्रधानमंत्री जी कौन है हमारे देश के? मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री योगी हैं? हाँ। और मुख्यमंत्री कौन है? उसका नाम नहीं पता है। तो योगी जी कितने बार आए हैं तुम्हें कुछ पता है? योगी तो बहुत अल्ली आए हैं। एक बार लंका में 5 अल्ली आए थे, 3-4 अल्ली यहाँ पर आए, 9-10 अल्ली आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कितने पिक्चरों का शूटिंग हुआ कुछ पता है? 80 घाट अस्सी के सारी को हुआ है। कौन सा नाम था? अभी के सारी कावल वो पहले का सारी का हुआ है, काजल का भी। हर हर गंगे का हुआ था ना? हाँ। पवन सिंह आया थे जो। हाँ। हमारा के सारी आया था और कल्पना अरे काजल आई थी। हाँ। कल्पना और पोनवा और बसाता नहीं रहता। हाँ। और जो गद्दार नहीं रहता, गद्दार आया है, एक खोर गद्दार नहीं रहता, दो ठू गद्दार आए हैं और से फिर से वो आए, वो गद्दार नहीं होते जिसमें कुसुम का भाई रहता है, वो आए थे। और कोई लेटेस्ट मूवी जो यहाँ पे शूटिंग हुआ? भी आए थे जो गद्दार रहते थे, पान और जो बनारस वाला खाते थे वो पान। तुम लोग देखी थी? हाँ, बढ़िया है। अभी पोनवा परसों। अरे देखिए सलमान खान वहाँ है। अच्छा, तो ये बताओ तुम लोग बैलून सुबह से कितने बजे तक बेचती हो? अभी आए हैं अभी बस, शाम को सुबह सुबह घर पे रहते हैं, अपना पढ़ाई जाते हैं पढ़ने, अभी शाम को आते हैं। तो दिन भर में कितना नहीं, हाँ शाम से कितना बैलून बिक जाएगा? बहुत बढ़िया है।
अपने गरीब हुए तो अपने कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। सही बात है। चलो ठीक है, बढ़िया लगा मिलके। एंजॉय करो, ठीक है, बाय। तो आइए चलते हैं, अब हम अस्सी घाट को एक्सप्लोर करते हैं और मौका मिला तो हम लोग बोटिंग भी करेंगे। तो आइए, मोहब्बत ढूंढने निकले थे जनाब, कुछ लम्हे याद आ गए, उन लम्हों की याद में हम अस्सी घाट आ गए। तो ये है अस्सी घाट का पूरा नज़ारा, शाम का समय है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। तो ये जो घाट है ना, दर्शकों के लिए और पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी और सबसे प्यारी घाट है। तो आइए जानते हैं इस घाट की खूबी, क्यों है ये घाट इतनी लोकप्रिय। की नगरी काशी को घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है, इन्हीं घाटों में से एक है अस्सी घाट। अस्सी घाट का नाम सुनते ही ऐसा लगता होगा कि कोई नंबर है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अस्सी मतलब अस्सी से आया हुआ एक वर्ड है और इसका मतलब है तलवार। और कहा जाता है कि दुर्गा ने राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद यहीं पे उन्होंने अपनी तलवार यानी अस्सी को फेंका था, इसी वजह से इस घाट का नाम अस्सी या अस्सी घाट पड़ गया। माना जाता है कि तलवार जिस स्थान पर गिरी वहां से अस्सी नदी का क्षेत्र शुरू हो जाता है। घाट का वर्णन कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों जैसे सह पुराण, अग्नि पुराण, काशी कांड और आदि जैसों में मिलता है। अस्सी घाट में हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भ्रमण करने आते हैं और जनवरी से लेकर मार्च और अप्रैल तक तो काफ़ी भीड़ होती है इस घाट पे। यह घाट सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मस्ती के स्वरूप में वाराणसी का केंद्र है। इस घाट पर दैनिक स्नानार्थियों की भीड़ सर्वाधिक होती है। प्रातःकाल 4 बजे से ही लोग इस घाट पर जमघट लगा देते हैं और सुबह सुबह योगा भी किया जाता है और बहुत सी सांस्कृतिक चीज़ें की जाती हैं। इसके पश्चात इस घाट पर पंडों द्वारा मंत्रों एवं घंट घड़ियालों की गूंज के साथ गंगा आरती का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जन्म, मुंडन, संस्कार, उपनयन, विवाह, गंगा पुजैया आदि मांगलिक कार्य उत्सव इस घाट पर साक्षी के रूप में संपन्न किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे घाट का जो पूरा व्यू है, नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है और जैसा लग रहा है कि आसमान और जो नदी है एक समान आपको दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि आसमान एकदम जमीन पर उतर आया हुआ है, तो काफ़ी सुंदर दृश्य लग रहा है। और यदि आप वाराणसी में रहते हैं तो हॉलीडे में अपने परिवार और दोस्तों के साथ जमकर मस्ती भी कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए आपको यहाँ से झूला भी नज़र आ रहा होगा जो कि पीछे साइड में है और ये झूला बहुत दिनों से लगा हुआ है, तो ये तो बच्चों की फेवरेट जगह है और बड़ों के लिए भी है, तो काफ़ी मज़ा भी आता है इस झूले में भी। अस्सी घाट ऐसी जगह है ना जहाँ पे हर दिन मेला होता है, हर एक दिन ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा उत्सव है, ऐसा आपको इस घाट पे आने के बाद लगेगा। और इस घाट पे आपको खाने पीने की हर तरह की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और अस्सी घाट पर एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है जिसमें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आके बनारसी व्यंजनों के साथ चाइनीज़ और साउथ इंडियन व्यंजनों का भरपूर स्वाद ले सकते हैं और वो भी घाटों की सुंदरता को निहारते हुए। पूरे घाटों का मज़ा लेना है तो आप बोटिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे पूरे घाट का नज़ारा बोटिंग के थ्रू, तो आप भी मेरे संग एंजॉय करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें ना जल्दी मिलती नहीं हैं। के लिए सबका शहर सब कुछ होता है, बस सबका शहर बनारस नहीं होता है। जब कभी भी बनारस आए तो बोटिंग का मज़ा ज़रूर लीजिएगा और घाट के घूमने का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ है पर पर्सन, अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं तो
ये जो आप मौसम देख रहे हैं बहुत ही सुहाना मौसम हुआ है और थोड़ी थोड़ी आंधी तूफान भी आने का कुछ आशंका लग रहा है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ हैं, लेकिन फिर भी हम आज बोटिंग तो पक्का करेंगे क्योंकि आज घूमने का मूड बना हुआ है तो वापस तो नहीं जाना है। तो देखिए काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं बोट पे और ये देखिए पानी की लहरें कितनी सुंदर लग रही हैं और पानी का जो जलस्तर है आप देख सकते हैं और कितनी तेज़ लहरें हैं आप ये भी देख सकते हैं। और आपको ये बात पता है क्या, नदी में स्विमिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और समुद्र में स्विमिंग करना आसान होता है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो कि रेलवे और SSC में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ मजाक करेंगे और ये देखिए हमारी बोट अब जाने के लिए तैयार है और इस बोट में देखिए अभी तूफ़ान का नाम लिया ही नहीं कि तूफ़ान आना भी शुरू हो गया और देखिए बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है। और जो हम लोगों की बोट है ना वो स्टीमर वाली बोट है तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और परेशानी उनको होगी जो कि हैंड बोट में बैठे हुए हैं क्योंकि अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन में है तो नाव को चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप पानी की जो लहरें हैं ना आप देख सकते हैं और बहुत तेज़ जो हवा चल रहा है ना इसकी वजह से पानी की लहरें और भी तेज़ हो गई हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सामने से आप देख पा रहे होंगे मेन गेट। तो आप सोच रहे होंगे 80 घाट से सीधे कॉरिडोर कैसे पहुंचे, तो हुआ ऐसा कुछ, जब 80 घाट से निकले थे तो वहां से रिकॉर्डिंग करते हुए आए थे कॉरिडोर तक, लेकिन पता नहीं कैसे शायद रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं और बड़ा अफसोस हुआ इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं अब हम कॉरिडोर से 80 घाट वापस जा रहे हैं रिवर्स में। तो आप यहाँ से भी व्यू देख पाएंगे और शाम थोड़ा हो गया है लेकिन जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा शाम का और आप देख सकते हैं हल्की हल्की शाम हो गई है लेकिन फिर भी घाटें अच्छे से आपको नज़र आ रही होंगी और इसका भी अलग ही मज़ा है। तो आप वीडियो को एंजॉय करिएगा और देखिए पूरे घाट का नज़ारा आप लीजिए। Thank you.
देखिए अभी शाम होने की वजह से सारे घाटों पे जो लाइटें हैं वो जल चुकी हैं और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये देख रहे हैं जब लाइटें जब पानी पे पड़ रही हैं तो इसका अलग ही नज़ारा है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे आप लफ्ज़ों में उसे बता नहीं सकते हैं। तो देख रहे होंगे कि ये जो घाटें हैं कितनी सुंदर और कितनी साफ़ सुथरी घाटें लग रही हैं। और आज तो हम बोटिंग के थ्रू सारे घाटों को देख रहे हैं, लेकिन हम कभी आपको पैदल घूम के पूरे घाटों का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि सारे घाट पास से कैसे दिखते हैं। और ये देखिए और सारी लाइटें जल चुकी हैं, जो सारा घाट है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बेहद खूबसूरत। आज की जो फीलिंग्स है ना वो बता ही नहीं सकते। सोच के भी आपको अच्छा लगेगा कि आप गंगा मैया के एकदम बीचों बीच हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इतना सुंदर नज़ारा। मन तो कर रहा है आज रात यहीं गुजार दें। जो ये आप सामने घाट देख रहे हैं ये है जैन घाट और काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसकी लाइटिंग देखिए, कई तरह से लाइटिंग लगाई गई हैं और बहुत ही कलरफुल लाइटिंग यूज़ की गई हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और आप घाटों को देख पाएंगे कि यहाँ पे घाटों पे बहुत ही साफ़ सफाई रखा गया है। और जब देव दीपावली आता है ना तो सारे घाटों को दिए से सजा दिया जाता है, मानो कि स्वर्ग नीचे ही आ गया है। उस दिन ये कहा जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं सारे लोग काशी में आते हैं उस दिन, तो ये बहुत ख़ास दिन होता है देव दीपावली का। तो अगर अब देव दीपावली आएगा तो हम लोग तो विज़िट करेंगे ही और देखेंगे कि कैसा लगता है उस दिन पूरे घाट का नज़ारा। और ये देखिए जो मौसम है ना, एकदम औसम मौसम है। और ये जो आप कलर देख पा रहे हैं, ये जो एक मूवी थी लाइफ ऑफ पाई, बिल्कुल वैसा ही सीन लग रहा है और बिल्कुल कलर भी वैसा ही एकदम आया हुआ है निकल के। और ये देखिए अब थोड़ा अंधेरा बढ़ गया है, तो अब आप लाइटिंग का जो कमाल है वो आप देख पा रहे होंगे कि जो पानी पे जो इसकी रोशनी पड़ रही है ना, तो एकदम इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और ऐसे सुंदर नज़ारों को सिर्फ आप इन घाटों पे ही आके पा सकते हैं। और ये सब चीज़ें ना किसी आपको मॉल में या फिर बड़े बड़े जगहों पे नहीं मिल पाएगा, ये सब चीज़ें ना सिर्फ बनारस में ही आपको मिलेंगी। तो आपको जब भी कभी मौका मिलेगा ना तो प्लीज़ बनारस आना मत भूलिएगा। और आप दूर से देख पा रहे होंगे कि अस्सी घाट पे अभी आरती हो रहा है और हम अस्सी घाट पे आ चुके हैं और अब हमारी बोट भी धीरे धीरे रुक रही है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारी बोटें हैं जिन पे लाइटिंग का काम बहुत ही अच्छे से हुआ है।
और ये सारी बोटें रात में तो बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में, और इन पे बैठने का अलग ही मज़ा होता है। और आप आसमान का कलर और पानी का कलर देख पाएंगे, जैसे जैसे आसमान का कलर जा रहा है, रंग बदल रहा है, वैसे वैसे पानी का भी रंग बदल रहा है। तो ये देखिए, ये है घाटों का पूरा चहल पहल, और आपको लग ही नहीं रहा होगा कि अभी रात के 8 बज चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पे जो माहौल है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेला चल रहा है। और ये जो मेला है और ये जो माहौल है ना, रोज़ ऐसा ही होता है। और आज की मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नई जगह पे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।